मार्केट जी आपके सामने प्रस्तुत जी, जिन्होंने अपने गीत के माध्यम से बाल विवाह, कन्या दुर्हत्या आदि विषयों के ऊपर अपने बाल बल्कि मनोरंजन अलग चीज होती है, उसके पीछे पीछे छिपे हुए संदेश को आप सभी ने बताया कि इसका संदेश ने दिया। तो आगे आप अच्छी तैयारी करेंगे इसी शुभ कामनाओं के साथ। आज की जमाने पीछे जी दो दो थी दस साहिबान जब तक बड़ा प्रणाम त्याग कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को भी देता है, आप विशेष दिन है कोई आज के दिन क्या हुआ था? एक बच्चा कोई बता रहे सेवा सेवा कोई भी कितना था अपने सेवा अपने जगह बता दो। जब हम अंग्रेजों की गुलामी के बाद आजाद हुए तो हमारा अपना संविधान नहीं था, अंग्रेजों का संविधान हमारे ऊपर लागू था। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गए थे, लेकिन अपने देश का कानून हमारे पास नहीं था, संविधान नहीं था। आज के दिन भी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले हमारे अपने कायदे कानून नहीं थे। संविधान एक वो मसौदा है जिसके अनुसार हमारे देश का शासन प्रशासन चलता है। जैसे आपके विद्यालय का शासन है, आपने सभी ने वर्दी पहन के आ रही है, सुबह समय पे आ रहे हैं, कौन से व्यक्ति किस टाइम मिलेगी, सारा संविधान है। तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माता जी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राचार्य महोदय, गाइड मास्टर श्याम सिंह, वीर पुनिया जी, लोहान जी, विभिन्न स्कूलों के प्राध्यापक प्राचार्य और प्यारे बच्चों, मैं बलबीर पुनिया जी लोहान जी से आग्रह करूंगी आप प्रणाम लेकर आ जाए। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय प्राचार्य राम रतन जी आप भी आ गए थे। यहाँ पर जो टीमें प्रथम और द्वितीय रही हैं,
अभी जो है ट्रॉफी और भागीदारी का सर्टिफिकेट जो है वो अभी आपको शिक्षा विभाग और प्राचार्य के माध्यम से आपको यहाँ पर अभी दिया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रथम और द्वितीय टीमें रही हैं वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी, जो कि जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान मातृश्याम मातृश्याम में आयोजित की जाएगी। उसकी तिथियां आपको बाद में सूचित कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो सारी जो जानकारियां हैं उपलब्ध है। सभी विद्यालयों को जो की प्रथम द्वितीय है हमारे पास रिकॉर्ड है, उन सभी को फोनिकली और ईमेल और पत्र के माध्यम से जो है वो सारी सूचनाएं जरूर प्रेषित कर दी जाएगी समय पे। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर आए हैं और बढ़ चढ़ के इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें भाग लें, ताकि हम अपनी प्रतिभा को और ज्यादा उसको सर्वश्रेष्ठ की तरफ ले जा पाए, यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और दूसरा थोड़ा सा जो तीन चार चीज है वो इनका जरूर ध्यान रखें विषयों का भी, क्योंकि जैसा कि चाहे भरोसा मुक्ति है, पर्यावरण की चिंता है, बेटा और बेटी की बराबरी की बात करते हैं, चाहे समाज में जो दूसरी फैली हुई जो बुराइयां है, क्योंकि हमारा जो है वो थीम बेस्ड ये कार्यक्रम रहता है उसको आधार बना करके। दूसरा जो यहाँ पर रोल प्ले के लिए विद्यार्थी आए वो केवल अपने भाव भंगिमाओं से अपने अभिनय से, ये जो एक टीम आई उस हिसाब से उनकी जानकारी के लिए भी जरूरी है बताना कि आपको तो दूसरे जो साधन है उनका सहारा नहीं लेना है। रोल प्ले की बात कर रहा हूं, रोल प्ले में केवल आपको अपने अभिनय से हाव भाव से बोल करके अपने जो डायलॉग है संवाद है उन्हीं के द्वारा अपने शरीर की विभिन्न गतिविधियों के द्वारा आप जो संदेश देना चाहते हैं तो दूसरे ऑर्नामेंट दूसरे जो साधन है उनका प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल खुद ही अपने द्वारा ही आपको अभिनय के माध्यम से ही दर्शकों को जो ऑडियंस है उनको आप कितना प्रभावित कर पाते हैं, कितना अच्छा संदेश आप उनकी तरफ ले जा पाते हैं, यही इस कार्यक्रम की सफलता का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो चलो खैर इसका उम्मीद करते हैं आप जो है वो ध्यान रखेंगे। तो अब मैं आज की हमारी सेकंड फोक डांस में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है गवर्नमेंट हाई स्कूल साहू। हेलो। और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट जो है मैं नवीन जोरदार श्री रामचंद्र जी और हरिखंड शिक्षा अधिकारी जी से सम्मानित हूँ। एक साथ साथ में आई फोटो ले आपकी फोटो ले वीडियो है फोटो ले अब लोग